बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। सो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एक फीट वाइटनिंग पेडिक्योर विथ होम रेमेडी, कैसे आप घर बैठ के आपकी फीट को टेक केयर कर सकते हो, आपकी फीट को ब्राइटन बना सकते हो, वाइटन बना सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और वो भी होममेड रेमेडी से। सो हाई, मैं हूँ रूपशा और वेलकम बैक टू माई चैनल पिंक फाइब्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप करेंगे फीट वाइटनिंग पेडिक्योर विथ होम रेमेडी। सो फर्स्ट मैं एक टब में गर्म पानी लेके थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लूँगी, देन उसमें मैं मेरा फीट को सोक करूँगी 10 to 15 minutes के लिए। और इसके बाद एक लूफा की हेल्प से मैं मेरा फीट को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और इसके बाद एक क्लीन टॉवल की हेल्प से मैं मेरा फीट को अच्छे से पैड ड्राई कर लूँगी। सो अब करूँगी मैं मेरा नेल्स को शेप एंड कट। सो फर्स्टली मैं एक नेल कटर की हेल्प से मेरा नेल्स को अच्छे से कट करके उसके बाद नेल फाइलर की हेल्प से मैं मेरा नेल्स को बहुत अच्छे से शेप कर लूँगी। और इसके बाद मैं मेरा नेल से क्यूटिकल्स को रिमूव कर लूँगी, जिसको कहते हैं डेड सेल्स, उसको रिमूव कर लूँगी अच्छे से। सो गाइस, क्यूटिकल्स रिमूव हो गया, अब करूँगी मैं मेरा फीट को स्क्रब। सो स्क्रब बनाने के लिए मैं एक क्लीन बॉल में ले रही हूँ 1 teaspoon ऑफ प्लेन ओट्स। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 teaspoon ऑफ मिल्क। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल। और इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरा फीट में और इनसे मैं मेरा फीट को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। गाइस, ओट्स हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल्स को हटाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके फीट में टैनिंग का प्रॉब्लम है, आपकी फीट की स्किन अनइवन है, तो वो भी क्योर हो जाएगी। और मिल्क हमारी स्किन को ब्राइटन और लाइटन बनाने में हेल्प करता है। और बादाम तेल भी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से लाइटन और ब्राइटन बनाने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। अब मैं ये स्क्रब को अच्छे से रिमूव कर लूँगी। स्क्रब रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ DIY मॉइस्चराइज़र। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। सो फर्स्ट मैं एक क्लीन बॉल में ले रही हूँ 1 drop ऑफ एलोवेरा जेल। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 4 to 5 drops ऑफ ग्लिसरीन और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो अब इन DIY मॉइस्चराइज़र से मैं मेरा फीट को अच्छे से मसाज कर लूँगी। गाइज, आप देखो मेरे फीट में बहुत एक नोटिसेबल चेंज आया है। मेरे फीट पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हुआ है और साथ ही साथ लाइटन और ब्राइटन भी दिख रहा है। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन दोनों एक साथ मिलकर मेरे फीट को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया है और साथ ही साथ सूदिंग भी लग रहा है बहुत मेरा फीट। सो आप भी ये रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और ये पेडिक्योर ज़रूर ट्राई करना। सो ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए तो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कुछ बेल आइकॉन है उसको पक्का हिट कर देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। सो गाइस, अब तक के लिए बाय बाय।